और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बहुत खुश हो गए, आपने कोई अच्छी चीज देख ली, कोई सुंदर सी चिड़िया देख ली, कोई सुंदर सा फूल देख लिया, आप खुश हो गए, गाने लगे। ये जो गाना आपके मुंह से निकला यही दर्शन भाषा है, समझते हैं ना? तो इस भाषा का जन्म कैसे हुआ? भाषा का जन्म भी हुआ कैसे हुआ? सबसे पहले हम लोगों के पास, आपने गौर किया होगा, जो आदिकाल में जो पत्थर का युग था, जब हम विकसित नहीं हुए थे, जब मनुष्य का जन्म हुआ था लेकिन वो सभ्य नहीं हुआ था। सभ्य समाज है, सभ्य किसे कहते हैं? कि भाई कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, उन लोगों को सभ्य कहा जाता है ना? तो जब पत्थर युग में, आदिकाल में, जब किसी के पास बातचीत करने का कोई तरीका नहीं था, तब पहाड़ों पे, गुफाओं में जो लोग थे उन्होंने चित्र बनाए थे। देखेंगे आपने पत्थरों पे बनाए गए वो आदि मानवों के चित्र, है ना? क्या बना हुआ है उसमें आपने देखा होगा, कहीं एक हिरण बना हुआ है, कहीं एक खूब बड़ा सा बैल बना हुआ है, और उसको हाथी बना हुआ है हाँ, और एक कोई तलवार लेके कुछ लोग उसे या भाला लेकर के मारना चाह रहे हैं। इस ये भी एक भाषा है, ये चित्र भाषा है। वो बोलना नहीं जानता था तो उसने इस तरह व्यक्त किया अपने को, ये एक शिकार करने का पूरा दृश्य, समझ रहे हैं ना? उन्होंने अब अपने बच्चे को उसे बताना हुआ, मान लीजिए कि भाई उस समय तो फल और इन सब के बारे में उन्हें नहीं मालूम था, डरते थे लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चीज ऐसी हो खाने वाली कि